और मैं देवभूमि में मुझे सौभाग्य मिला 56 साल बाद आने का, और ये जो आने का प्रोग्राम था मेरे बच्चों का था, बहू और बेटे का जी। हमारा उत्तराखंड प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही, लेकिन इसमें कई ऐसी प्रेरक कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं हम तक पहुंच नहीं पाती। उसी राह पर चलते हुए आज हम आपके आगे एक ऐसी महिला की प्रेरक कहानी लाए हैं जिसको सुनकर आपको भी एक नई दिशा जरूर मिलेगी। मेरा नाम गंगा अकोलिया है, अकोलिया परिवार से हूँ मैं, और बेसिकली आप उत्तराखंड से? उत्तराखंड से हूँ, मेरा मायका कौसानी में है और ससुराल मेरा मासी के पास गांव है सरणा, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। वो सभी लोग, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष, जो एक इच्छा रखते हैं कहीं ना कहीं एक अपना उद्योग शुरू करने का, एक अपना व्यवसाय शुरू करने का, उनके लिए आंटी की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि गंगा जी ने ये कहानी शुरू करी मात्र एक शौक को अपने व्यवसाय में परिवर्तित करते हुए। तो यहाँ आके मैंने अपना जो मेरा शौक था अचार बनाने का, और लोगों को पसंद आता था, लोग मुझसे बनवाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद था खाने का और खिलाने का जी। तो घर की वो हस्बैंड मेरे INB में थे और उनकी 16 साल पहले डेथ हो गई, वो हमें छोड़ के चले गए। तो कहते हैं ना, हालातों से जो नहीं हारता वही एक इतिहास लिखता है। आंटी ने अंकल को बहुत पहले 14 साल पहले ही खो दिया, और उसके बाद दिल्ली में इतने साल बिताने के बाद इन्होंने फिर अपनी देवभूमि वापसी करने का सोचा और शुरुआत करी इस लघु उद्योग से अचार बनाने के, जो कि बिल्कुल घर का बना हुआ है और पूरा ऑर्गेनिक है। शुरुआत ऐसा हुई, हमें एक हमारा फ्रेंड ग्रुप और रिलेटिव ग्रुप बना और अमरनाथ की यात्रा पे गए थे जी। तो बस मैंने चुपके से रात को पूरियां बनाई, क्योंकि हमें फ्लाइट से जाना था तो उसमें अलाउ नहीं होता, तो मैंने चुपके से बना के अपने बैग में रखा। तो एयरपोर्ट पे जब मैंने सबसे पूछा कि पूरी खाओगे, तो सब चौंक गए, और उसमें से जब पूरियां खाई तो आम के अचार की महक फैल गई। तो मेरी भांजी जो कांता शर्मा हैं और टीचर हैं, वो मेरी भांजी भी है, मेरी फ्रेंड भी है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट वहीं पे किया एयरपोर्ट पे कि मामी अब आपको अचार का बिजनेस कर लेना चाहिए, हम लोग तैयार हैं। अमूमन ज़्यादातर लोग इस उम्र में आकर के उम्र का तकाजा देते हुए या शारीरिक कष्ट की वजह से घर पर अपने आप को बैठा देना ही ठीक समझते हैं, पर गंगा जी ने इस उम्र को एक अल्प विराम देते हुए, एक चुनौती देते हुए संघर्ष करके ये लघु उद्योग की शुरुआत करी, न केवल खुद के लिए बल्कि उन सभी पहाड़ी भाई बहनों को रोजगार देने का एक अच्छा अवसर भी प्रदान किया। वाह, क्या सोच है, बहुत सराहनीय। कि इसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, सब कुछ होममेड है। मसाले भी आपके, अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी इसके मसाले, हर एक चीज, और बहुत सारी वैरायटीज हैं इसके अचार। जब हमें अच्छे खाने की तलाश होती है तो हमें चाहिए क्या, शुद्धता, घर का बना हुआ, और उसके साथ साथ माँ के हाथों का हो तो लाजवाब ही होगा। तो सबने मुझे किया, तो मैंने भी भोले बाबा का नाम लेके जब वापसी हुई तो थोड़ा बहुत घर में काम शुरू किया जी। तो वो गया और डिमांड बढ़ती चली गई, कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो जो हमारे यहाँ मकान मालिक हैं, जिनका कॉटेज हमने रेंट पे लिया, वो बहुत हेल्पफुल निकले, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, काम करने दिया वहाँ पर, और वो खुद PhD होके, रिटायर होके बहुत बड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं, तो मुझे हिम्मत मिली। फिर
फिर उन्होंने जब मेरा काम बढ़ गया, लोगों का आना जाना बढ़ गया, घोड़ाखाल में शैलेंद्र प्रताप सिंह आई जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, वो लगातार मेरे पास कस्टमर भेजते हैं और खुद भी कई बारी आके ले गए हैं, अभी रेस्ट पे हैं, उनके आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो मुझे काफ़ी, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल आए, तो उन लोगों ने जब मेरे अचार अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाए तो मेरा हौसला बढ़ा। तो एक लघु उद्योग से की गई शुरुआत में कई लोग जुड़ते चले गए। आज आंटी 5 लोकल लोगों को, यही उत्तराखंड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं इसी अचार के बिजनेस के तहत। आइए उनसे भी मुलाकात कराते हैं। मीना अधिकारी हैं और ये हम मेरा पूरा सुपरविजन करती हैं और पूरा पीछे से। मीना अधिकारी जी, आप कहाँ से हैं? हम यही रातीघाट कैची धाम से आ गए से, उत्तराखंड से। तो आप यहाँ यही रहती हैं आंटी के पास? नहीं, हमारा अलग है घर, घर है यहीं पे भवाली में। अच्छा, तो आप आंटी के पास से ही इस रोजगार में जुड़े हुए? जी, आंटी को देख के हमको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। आंटी से बहुत कुछ सीख लिए हम लोग, बहुत अच्छा। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे जब यहाँ पर खीरे खरीदे लोगों से, हाँ जी, तो कई लोगों को तो ये होता था कि ये हम फेंकते थे, सड़ जाते थे, फेंकते थे, आप हमें पैसे दे रहे हो, तो यहाँ पर बोरियां भर भर के लोग रख जाते थे। वो जो अपनी देवभूमि को फिर से वापसी करना चाहते हैं, उनको हमें बहुत ज्यादा विश्वास है इस स्टोरी से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली होगी और हिम्मत भी। देखिए गंगा जी, इस उम्र में जब ये सब कर सकती हैं तो आप तो फिर भी युवा हैं। आप भी शुरुआत करें, वो गृहिणी जो घर से कुछ ऐसी चीज़ों का शुरुआत करना चाहती हैं, आप भी कर सकती हैं। धीरे धीरे ये व्यवसाय बढ़ेगा, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आप उनको भी एम्प्लॉयमेंट देंगे और आप देवभूमि का नाम भी ऊंचा करेंगे। कस्टमर बेंगलोर, बॉम्बे और लखनऊ, कोटा, राजस्थान, कोटा और गुजरात, ये सब जगह से यहाँ से कोरियर हो रहा है, लोगों को सामान मिल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। लोगों को कीमत बताती हूँ लेकिन वो कहते नहीं, आप कीमत छोड़ो, आप हमें ये बताओ कि हमारे को ये चीज़ मिल जाएगी। आज स्पेशल ये बढ़िया बनी है, हाँ जी, ये बढ़िया नोएडा से हैं, हेमा भट्ट, उनके लिए बनी है, उनके खास फरमाइश पे बनी है। खट्टा मीठा नींबू जी, इस नींबू के अचार की खासियत यह है, ये 10 साल तक भी ख़राब नहीं होता क्योंकि ये एक दवाई के रूप में बन जाता है। कभी भी आपको गैस हो, पेट दर्द हो, आप कभी सफ़र में जा रहे हैं तो ये नींबू का अचार, तो आप कहीं भी देखें, किसी भी बुजुर्ग से पूछें, क्योंकि मैंने भी अपने बुजुर्गों से ही सीखा है जी। गंगा जी का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से इनको संपर्क कर सकते हैं और इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। अगर आपको व्यवसाय से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है या अचार ऑर्डर करने हैं, आप इनसे कोई भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं संपर्क करके। इनके अचार बाहर तक जाते हैं, आप इनको ऑर्डर देंगे तो ये आप तक डिलीवरी भी पहुँचाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मेरे पास जो सामान आ रहा है ऑर्गेनिक आ रहा है, ऑर्गेनिक सामान से ही मैं सारे अचार बनाती हूँ। मुझे भी बहुत हौसला चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ और उत्तराखंड के लिए ही काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए तो फिर मैं तो हूँ ही माँ। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारा गोलू मोलू चैनल है ये बच्चे भी हमारे गोलू मोलू ही है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन इनका, देखा भी, और मुझे एक बहुत बड़ा मतलब हौसला मिला इन बच्चों से, और मैं चाहूँगी कि मैं इनकी आभारी भी रहूँगी और ये भी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बच्चे मेरा प्रचार करेंगे और मुझसे लेंगे भी बिल्कुल, और मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थी कहानी गंगा जी की। हमें विश्वास है आप सब जो हमें देख रहे हैं, जहां से भी हैं, आप सबको एक प्रेरणा जरूर मिली होगी। आप भी ऐसी एक शुरुआत कर सकते हैं
और जो फिर से पलायन करना चाहते हैं देवभूमि की ओर, उनके लिए तो एक अच्छा अवसर है ऐसा कुछ शुरुआत करने का, ऐसे देवभूमि से जुड़ने का, यहाँ और लोगों को व्यवसाय देने का और हमारी देवभूमि को फिर से हरा भरा कर देने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई जगह, एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।